हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में मैं एक अलंकार रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो स्वरज्ञान अलंकार है, ठीक है? और ये राग मारवा में है, तो आप इसे ज़रूर देखें और आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्वरों का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। स्वरों के बीच की जो दूरी होती है उसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है स्वर ज्ञान अलंकार, ठीक है? तो आप इसे ज़रूर देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप बहुत अच्छा कर सकें। और ये अलंकार जो है ये 3 ताल 16 मात्रा में है, ठीक है? तो आइए इसको देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सीधा आपके पास पहुंचे और आप उसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालूंगा अलंकार के, राग के, गानों के, नोटेशन के। और अगर आप उन्हें सबको देखते हैं तो और एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से ही आप एक दिन बहुत अच्छा सीख जाएंगे, ठीक है? और अगर आप वीडियो सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक की पूर्ण नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए और सीखना चाहिए, ठीक है? और वीडियो देखकर आप कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपको किसी गाने का नोटेशन चाहिए तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं, और या जो भी आपके मन में ख्याल आए तो आप उसे ज़रूर लिखा करें, ठीक है? तो आइए देखते हैं राग मारवा। राग मारवा का आरोह अवरोह किस प्रकार है और अलंकार का जो सरगम है मैं उसे स्क्रीन पे भी दे दूंगा ताकि आप उसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। पहले स्लो में प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे इसमें स्पीड बढ़ाएं। ये हुआ अवरोह, ठीक है? अब अलंकार के नोट्स क्या है मैं आपको पहले सिंपल समझा दूं एक बार और उसके बाद फिर मैं आपको लय में बताऊंगा। गा हा, ये जो हा आता है ये एक मात्रा होती है, आप मान के चल सकते हैं कि दो गा हो सकते हैं, लेकिन उसे हमें आकार में ही लेना है ताकि हमारे गले में खटका बन सके। गा आ, रे सा नी, रे सा आ नी, रे गा आ रे हे गा आ मा गा रे हे गा रे हे सा मा धा मा गा रे गा रे सा, ठीक है? ये 3 ताल 16 मात्रा में है। इसका एक पहला लाइन 16 मात्रा का है और दूसरा लाइन 16 मात्रा का है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें पहले सोलो में फिर स्पीड बढ़ाएं, ठीक है? अब आइए एक बार लय में देखते हैं। गा रे
ठीक है, तो आप इस प्रकार से उसको पहले शुरू में अच्छे से सेट करें गले में, और फिर धीरे धीरे उसमें स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। ऐसे आप धीरे धीरे उसमें कितना भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले शुरू में आप उसको सोलो ही प्रैक्टिस करें, एक बार सरगम का प्रैक्टिस करें और एक बार आकार का प्रैक्टिस करें। बहुत ही सुंदर अलंकार है, अगर आप इसका अच्छे से मन लगाकर हर अलंकार का प्रैक्टिस करते हैं जो मैं डालता हूँ, तो आप बहुत अच्छा स्वर ज्ञान आपको हो जाएगा और आप बहुत अच्छा सीख भी जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट वन है पहला अलंकार राग मारवा का, और अभी राग मारवा में मैं बहुत सारे अलंकार डालूंगा, आप उन सबको भी धीरे धीरे करके बजाएं, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।